तो जुंडला इस समय पूरा जाम है और किसानों ने जाम लगाया है, कारण क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। पुलिस प्रशासन की टीमें पहुंची हुई है और दो दिन तक इलेक्शन ड्यूटी थी, चालू है दो दिन बंदे एक है फटका आने लग रहा है मैडम, है फटका आने लग रही मैं डीएफएससी दूं मैं लेने लग रहा हूँ। मुक्तसर वाली से मशीन ले रखी है, अभी तक तो कोई पसंद नहीं आई डेरी सत्रह मुक्तसर की, कोई कोई नहीं आई। थोड़ा चेक करो ना मोस्टर, कम ज्यादा बताओ ना, बिल्कुल करवा लो नहीं आप मौके पर चेक करवा लो मशीन। माल नहीं देखेगा जी, पंद्रह दिन से पंद्रह दिन हो बैठे मंडी में, दाना दाना शिकायत दिया फिर भी नहीं ले रहे। सरकार भी जान लग रही, फिर भी सरकार भी जान लग रही, सरकार तो कई गुवाही है सर। तारीख नजीरी आई थी मंडी में, आज लग नहीं बिकी, 22 तारीख नजीरी आई थी। एक बताओ जी, यह है कि लेना है कि हम यह स्टार्ट भी कर दी ने एक तारीख एक उस पे थे दुकान पे थे छह लगा ध्यान दे कहना ये तो 17 मुस्तर रह गया, 17 मुस्तर के बाद उन्होंने ले क्यों नहीं रहे हर तीखे वहां 24 घंटे के अंदर ठाने नहीं ठहे हम जो फिर ले उठ वापसी बैग जा तीन बार जा लिए तीन बार फिर दोबारा ये इनको हम ना लिए आप इनसे लेने लग रहा हूँ आप ठीक है 17 की लो हाँ। जो जो यहाँ 17 की नहीं है ना उसका वो गेट पास कैंसिल कर दो, जहाँ मर्जी ले जा, मर्जी ले जा। एक मिनट प्रधान जी, एक बार रुकियो, हम कहीं भी ले जाए एक बार रुको, एक दो दिन की दुख लगा के लिहाज कहूँ आज चलो आप 24 तारीख मेरे गेट पास कटे है, 24 तारीख तक 7 बार तो हमने पलटे लगवा लिए, देखो जी मॉइस्चर कम करना, पंखे का वो जार लगाना, पंखा लगाना आरती का काम है, ठीक है जी। मॉइस्चर में जो आन लग रही है लेन लग रहा हूँ, बड़ी बढ़िया मुक्तर सेक्रेटरी साहब यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे ना उसमें मॉइस्चर आए आएगा कितनी सूखी होती है जी, उमस बन जाती है, उमस ले जाती है जी, गर्मी जाम के अंदर जाम नहीं हो रही है जमींदारों के अंदर प्रधान जी और के साथ समय देख सकते हैं गांव जुंडला में। और सर ऐसा करो मॉइस्चर पास करो जिसमें 18-19 है ना उसमें पंखा लगवाओगे आप, देखो जी पंखा लगा के फिर देखो 18-19 के पास यहाँ आप 18-19 में पंखा लगवा ले दोबारा चेक कर लूंगा, 17 मॉइस्चर पे मैं ले लूंगा जी, 17 मॉइस्चर नींद लग गया बात हुई अपनी, हमने लिया कोई दाना देखो जी दो दिन बिल्कुल बिजी थे, अगर ये 17 मोस्टर ना ले वहाँ और दो दिन लगना हो तो गई नहीं तोड़ते आरती। मैं सीनियर उप प्रधान भारतीय किसान यूनियन जी हरियाणा, समस्या तो ये यह न्यू क्या कर रहे थे भी उड्डा निखरी तेने उड्डे की सरकार थी आज तक पहला इनकी मैं जी ना इन्हीं की बीजेपी वाले की पहले तो उधर मुंह बता जाएगा फिर कैसा गया, लेकिन पहले आदमी ने बदनाम करे थे वोट पड़ी भी नहीं मने के मान साहब ऐसे ऐसे करके करे नो कल मीटिंग कर लो। मैं तो इधर था अपना विधायक जी के पास से आया था और कहते क्या भाई जाम लग लिया, जाम तो लगनी थी जनाब जी बत्ती पली तेरी जी की और तड़की है बारिश से जाए तड़की है बारिश से जाए तगड़ी मुर्गे जिम्मेदार सैलर वाले बिना बात नहीं बनते, सैलर वाले बिना बात खत्म, सैलर वाले बिना बात नहीं बनते, एजेंसी वाले पीले वाले चार कट्टा लिया वही नहीं खाए ना हम क्या करें कहा मरेंगे यहाँ आरती टोल देगा उठाने के नहीं आरती टोल देने नहीं ना एजेंसी वाले ना फैसला जीटी रोड पर जाना था मेरी बात सुनो बड़ा बड़ा काम होना नहीं हो ये छोटा ही बेलता अरे भूमिका कहाँ पर हो जाने का नहीं जाने का लेकिन ना एक मिनट जब ये शुरू होगी कहाँ शुरू होगी गेट पे चार दिन पहले यही जा सर यही जा कड़े होगी शुरू चार दिन पहले यही जा चौधरी साहब सुनो चार दिन पहले ना 10 देरी खरीदी एक मिनट तोड़ने में
डीएफएसए साहब खड़े हैं, डीएफएसए साहब करनाल है, उनका फोन आया था और मैं मंडी में था। नहीं होगा, मैं मंडी में हूँ, मैं मंडी में तो हूँ। हाँ बताओ, एक मिनट सुन लो भाई, जी जनाब एक मिनट भाई सुनो, हम भी थारे भाई, हम भारत के सुनो, उन्होंने बुला लिया अपने डीएफएसए साहब ने, जो आदमी उन्हें बुला लो, ये तो किया आदमी पूरी बात सुनो, पूरी दो एजेंसी हैं एफेड और फूड सप्लाई खरीदने वाले, फूड सप्लाई ने परचेज चालू कर दी, एफेड की मैडम आने लग रही है, 15 डेयरी खरीद चुके और शाम ने 4 बजे लिफ्टिंग शुरू हो जाएगी भाई, कराओ मेरी मान साहब की बात हुई, मैं सीनियर प्रधान हूँ भारतीय किसान यूनियन का हरियाणा का, मेरी कल रतन मान की बात हुई परसों, मगर जी ऐसे जगह का उड्डा बदनाम कर रहे हैं, ना उड्डा की सरकार है, ये कह रहे भी यार 8 तारीख तक पहले मतलब भाई प्रधान जी, कोई सरकार कोई सी हो वो सारी दाने ले सुनो, सरकार हो ना वो सब क्यों है, सबके ठीक है ना, मलिक साहब हम दाने खरीदेंगे, हम तो सुनो मंडी में पूरे 15 दिन हो गए, 40 दिन पड़ी मेरी है जी, 15 दिन हो गए मेरी ना, चलो मंडी चल लो, झूठ बोल रहे भी नहीं आंदे भाई, तो देखने वाला बैठ गए जी ना, जीरी सड़ ली उड़ा नास हो लिया जीरी का, कोई नहीं पूछता जीरा, कोई नहीं पूछता जीरी ने दवा चाचा जिम्मेदार बने, किस प्रकार से किसान को परेशान करने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है और 10-15 दिन से जो है किसानों की जीरिया वो मंडी में पड़ी है और मजबूर है किसान इस समय जाम लगा करके, जैसे देख सकते हैं असंध में भी जाम है और जुड़ला में भी इस समय जाम आपको नजर आता हुआ। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, कैसे समाधान करोगे? सरकार के नॉर्म के अनुसार मंडी में खरीद चालू है, सेलर वाले जल्दी आ जाएंगे और काम शुरू हो जाएगा। मेरी जीरी 11 बाजी में पड़ी, वो बड़ी मंडी में चल रही है, 18 में लेना तैयार नहीं, क्या समस्या का 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, मैंने वो जीरी बड़ी मरी बोल रहा है, हर जगह देख दे, अरे ना भी सारे मौके पे हम कहीं पर हर दिया करते, यू तो नहीं हुआ है, अगर ना कल लेंगे 2 डेरिया तो फालतू लेंदा को नहीं, सब बता दे, कहते थे इलेक्शन के बाद लेंगे, इलेक्शन भी हो चुका है, आज हमने मजबूरन में जाम लगाना पड़ा जी, कोई सुनवाई नहीं, राम रेला में रात ना राम रेला में रोड करा, दिन में उरा मरा के करे हो जा, दिन में उरा मरा बता, 12 देर 17 मोस्टर वाली भी 3 तारीख को पास हो गई थी, अभी तक कोई जीरी नहीं, 15 वाली भी नहीं हुई, हां हमारा नुकसान हो जाएगा, हां क्यों पहली तड़की परमात्मा रुचि ना पर पता, अभी क्या कर रहे हैं, कह रहे अपने ऐसा बुला लीजिए, सब ने बुलावेंगे, जीरी खरीद दी जाएगी, नहीं खरीद दी जाएगी 10 खीरा का, अच्छा हाँ बोलते हैं डेयरी खरीदना शुरू करो, 15 दिन का माल पड़ा जी, क्या करेगा वो किसान, 1800 में दे दो जी, 1800 में किस्त ले लेंगे फिर, यहाँ 1800 वाले में किस्त ले लेंगे, कोई मोचर नहीं करते जी, 1800 में ले ले, 120 के चाप तक फिर पैसे आने लग रहे हमारे, 1800 में नहीं ना मोस्टर उसमें ना काला दाना तब तब उठा लेंगे, जाने जाने हमारे लोग भी लेने दो, 12 दिनों पहले हम तो वोट भी नहीं मांग सके अपने को की, हम तो अपने कांग्रेस के वोट भी नहीं मांग सके, इन्हें 12 दिनों रत पा रहे हैं, हम तो दिन रात 12 दिनों के यहाँ दुखी हो पड़े, हम तो इलेक्शन चलता रहा उनमें की ड्यूटी है ना, आए थे यही अफसर कुछ भी नहीं करे, इसने 10 डेयरी पास करी 8 दिन दिए नहीं, इनका ठाने का नहीं, बताओ हम क्या करेंगे, पुलिस वाले आएगा नहीं धमकी दे, हम अपना महल्या तो बना नहीं सकते, यह कौन सी धमकी है जी मेरे पास, पुलिस वाले ने कहा जी रहेगा उनका, तो मैं एक महल्या नहीं बना सकते अपना संधा हल के बाद, और किस मारे लिए तो सारे महल जी कोई भी बने रहता है, जब जो सरकार बनाया है महल बनाया
किसान सबसे बड़ी ताकत है, हरीश तो कोई नहीं। अगर हम चाहे सब सौदा कर सका, जो भी किसान है अपने खुद की जीरी है। मैंने को कोई बेचा, एक साल किसान दिल्ली रहे, तीन महीनों मंडी में रह जाओ, किसी का अपना दाना देना, कोई हो चढ़ती हो कोई हो पूरी सुन। तीन महीने उड़ी रहूंगी किसान, रोटी चल लगी भैया गिर मारे, ठीक है किसान मजदूर एकता जिंदाबाद रहूगी। ये हम ना दबाए भैन बीच में कमीशन खावा आपस में खावा, उसका नाम ले उसका नाम ले, ये बोले बाड़े मानस कभी कोई बकावे ना कभी कोई बकावा। अगर नहीं मैं दिमाग कर भैन रोड पे गेरो ना फसलना, जिसमें खरीदी नहीं होगी हमारे द्वारा हम उन द्वारा क्यों जावा। जाम कितनी देर तक रहेगा जब तक खरीद जब तक नहीं लेते, जब तक खरीद शुरू नहीं होगी ऐसे ही रहेगा जाम नहीं रहेगा। 26 तारीख गाँव जुडला में है और मंडी गेट के बिल्कुल सामने है और जाम जो है यहाँ लग चुका है। असंध की भी जो तस्वीरें हैं वो सामने आती हुई नजर आ रही है कि असंध में जाम है और जुंडला में जाम है और अधिकारियों को ऑर्डर दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द जो है खरीदारी को चालू के ट्रैक्टर को बीच में अड़ाया गया है। बता रहे कि 10 से 15 दिन हो चुके हैं लोगों की जो जीरियां हैं वो मंडी के अंदर पड़ी है। मॉइस्चर को लेकर के काफ़ी इशू है, खरीदारी शुरू नहीं हुई है जिसकी वजह से किसानों को जाम जो है वो लगाना पड़ा है। लेकिन काफ़ी आम जन भी है वो कहीं ना कहीं परेशान है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार से शेयर करें ताकि किसी बड़े अधिकारी तक तो है ये बात पहुंचे और खरीदारी जो किसानों के लिए जल्द से जल्द चालू हो। बहुत बहुत शुक्रिया।